आज हम रिव्यू करेंगे एचडीएफसी डिफेंस फंड की, जिसको लॉन्च हुए करीब एक साल एक महीने हो गए हैं। और ये रिव्यू दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स, चाहे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हों इस फंड के, या जो इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हों, दोनों के लिए यूजफुल है। और इस चर्चा के दौरान हम तीन चार बिंदुओं पर बातें करेंगे, रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमन फीचर्स क्या है, फिर बात करेंगे इनके डिफरेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे लमसम हो, एसआईपी हो, एचआईपी हो, इसमें क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है। फिर बात करेंगे पिछले एक साल एक महीने के आसपास डिफरेंट के पीरियड में, डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में इसका परफॉर्मेंस क्या हुआ है, कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क से। और फिर इनके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ी बातें करेंगे, और इसको भी कंपेयर करेंगे हम इनके बेंचमार्क से, और देखेंगे क्या पोर्टफोलियो में कोई चेंज है, और इस यदि चेंज है तो इसमें क्या इसके परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉमन फीचर्स के बारे में। इनका एनएफओ जो मैंने बताया करीब एक साल एक महीने पहले आया था, बेसिकली ये 30 मई 2023 को ये इनका एनएफओ क्लोज हुआ था। हालांकि इस बारे में भी कई हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देते हैं, वो हैं, या कई सारे पोर्टल्स हैं जिसपे इनका इंसेप्शन डेट 2 जून 2023 बताया गया है, जबकि इनका इंसेप्शन डेट 30/5/2023 को ये एनएफओ क्लोज हुआ था। पहले जब इन्होंने एनएफओ लॉन्च किया था, उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने लिखा था कि इनका एनएफओ क्लोज होगा 2 जून 2023 को, लेकिन इन्होंने इसको प्रीपोन करके 30 मई 2023 कर दिया था। और चूंकि 30 मई 2023 को इसका एनएफओ बंद हुआ था, तो आज करीब ये एक साल एक महीने पुराना फंड हो गया है। और 30 मई 2023 को जो उन्होंने यूनिट्स अलॉट किए थे वो 10 रुपये थे, जो आज बढ़कर ये 23 रुपये, 23.987 रुपीज हो गया। मतलब एक साल एक महीने में 10 रुपये के यूनिट्स जो हैं उसकी एनएवी 23.987 रुपीज हो गई है। यदि इसके एग्जिट रेट की बातें करें, यदि आप एक साल के अंदर परचेज के एक साल के अंदर रिडीम करते हैं, या यूं कहें उसको बेचते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन एक साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। और एक साल एक महीने में इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 3,233 करोड़ हो गया। यदि बातें करें इसके टीआर यानी टोटल एक्सपेंसेस रेशियो की, तो यदि आप डायरेक्ट करते हैं, यहां ध्यान दें, यदि इसको डायरेक्ट में आप करते हैं तो 0.74% आपका टोटल एक्सपेंसेस रेशियो होगा, लेकिन यदि आप रेगुलर करते हैं तो इट वुड बी 1.95%, और ये करीब 1.21% अधिक एक्सपेंसेस रेशियो लगेंगे। इसका मतलब यहां देख लें, डायरेक्ट में यदि करते हैं तो आपका टोटल एक्सपेंसेस 0.74% है, और रेगुलर में करते हैं तो इट इज 1.95%। इसका मतलब कि 1.2% का जो डिफरेंस है, ये ऑलमोस्ट उस जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके, जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो असिस्ट कर रहे हैं, उनका कमीशन बनता है। यदि डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट और रेगुलर के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आज के दिन में 100 रुपये है। 100 रुपये से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यदि बात करें इनके एसेट एलोकेशन की, तो टोटल जो एसेट्स आपके हैं 100%, उसमें से 99.01% जो है इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस 99.01% में से जायंट एंड लार्ज कैप में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 57.97%, मिड कैप में 9.22%, और स्मॉल कैप में 32.80%। इसका मतलब यदि हम इसको देखें कैप वाइज कि ये किस कैप में आता है, तो हमें लगता है कि इसका जो फीचर्स है वो फ्लेक्सी कैप के आसपास मिलता जुलता है। बिकॉज आप देखें कि जायंट एंड लार्ज कैप में 57.97%, मिड कैप में 9.22%, स्मॉल कैप में 32.80%। ना ही ये लार्ज कैप सेगमेंट का है, ना ही मिड कैप सेगमेंट का है, ना ही स्मॉल कैप सेगमेंट का है, और ना ही ये मल्टी कैप सेगमेंट का है, जिसमें कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है 25% तीनों ही कैप में कम से कम होना चाहिए। तो यदि इन चारों कैप में नहीं आते हैं तो ये फंड फीचर्स मिलता है फ्लेक्सी कैप फंड से। अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट्स की, जिसमें बताया था कि डिफरेंट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आज के दिन में इसमें कोई फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं ये फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट करने की, जिन्होंने पहले लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया है इट्स ओके। लेकिन आज यदि कोई चाहे कि हमको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, और ये रेस्ट्रिक्शन 12 जून 2023 से ही लागू है। तो नंबर एक, कोई फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई स्विचिंग नहीं होगा। इसका मतलब
यदि आप किसी और फंड में, एचडीएफसी किसी और फंड में इन्वेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि वो पैसे वहां से ट्रांसफर करके स्विच करके आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में, तो ये भी अलॉट नहीं है। कोई एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एक से दूसरे में करना चाहते हैं तो वो भी नहीं है। इसका मतलब तीनों ही तीनों जो है, ना ही फ्रेश लमसम होगा, ना ही कोई स्विचिंग होगा, ना ही कोई एसटीपी होगा। आज के दिन में जो अवेलेबल एवेन्यूज हैं वो केवल एसआईपी है, और एसआईपी में से ही में भी केवल मंथली फ्रीक्वेंसी का एसआईपी है। नंबर एक, एसआईपी अवेलेबल है केवल मंथली फ्रीक्वेंसी में। दूसरा कंडीशन एसआईपी में है कि ये मैक्सिमम जो है आप ₹10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी कर सकते हैं, इससे अधिक एसआईपी नहीं कर सकते हैं। और ये 10,000 जो काउंट होगा वो काउंट होगा यदि आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, केवल सिंगल नेम में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपके टोटल एसआईपी जितनी भी एचडीएफसी डिफेंस फंड में है सब जोड़ के 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, यदि आपका ज्वाइंट फोलियो है, फॉर एग्जांपल ए और बी में है, तो ए का जो पैन नंबर होगा, ए पैन नंबर पे अधिक से अधिक 10,000 कर सकते हैं। इसका मतलब ए और बी का यदि फोलियो है तो 10,000 कर सकते हैं, और यदि बी और ए का फोलियो है, मतलब पहला नाम बी का है दूसरा नाम ए का है, उस केस में भी आप ₹10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज ओनली बिकॉज इन्होंने कहा है कि मंथली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10,000 होनी चाहिए, और 10,000 जो डिसाइड होंगे वो फर्स्ट होल्डर का जो पैन होगा उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। यदि वो ज्वाइंट है और सिंगल है तो उसमें कोई इशू नहीं, उसका जो सिंगल जो इन्वेस्टर्स हैं उसके पैन के बेसिस पर ही ये अलाउड होंगे। सो यदि आप चाहेंगे कि आज के दिन में 15,000 की एसआईपी कर दूं, आप नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि 5,000 की एसआईपी पहले है और 10,000 की आज और कर दूं, आप नहीं कर सकते। इसमें मैक्सिमम आप 10,000 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट होल्डर पैन के क्राइटेरिया के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पहलू, परफॉर्मेंस की भी बातें करें हम, क्योंकि हमने जैसे बताया कि एक साल एक महीने के आसपास ही हुए हैं, तो इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो एक महीने का परफॉर्मेंस का 10.26% है, 3 मंथ्स का 37.92% है, 6 मंथ्स का 57.95% है, पूरे एक साल का 133.9% है, और यदि एक साल एक महीने की बातें करें इट इज अराउंड 139.8%। फ्रेंड्स, यदि इसको आइसोलेशन में देखते हैं, इट्स ए वेरी इंप्रेसिव रिटर्न, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। कोई भी एवेन्यूज आज के दिन में ऐसे नहीं है जो पिछले एक साल में 133% 134% के आसपास ये रिटर्न दे। इसको यदि कंपेयर करते हैं हम निफ्टी 500 टीआरआई से, हम देखते हैं कि वन ईयर में 4% के अगेंस्ट इस फंड ने 10.26% दिया है, थ्री मंथ में 10.24% के अगेंस्ट इन्होंने 37.92% दिया है, सिक्स मंथ में 16.78 के अगेंस्ट इन्होंने 57.95% दिया है, 1 ईयर में 37.2% के अगेंस्ट इन्होंने 133.9% दिया है, और एक साल एक महीने में निफ्टी 500 टीआरआई ने करीब 43.42% के आसपास रिटर्न दिया था, जबकि इस फंड ने 139.8% के आसपास दिया था। फिर यहां भी देखते हैं आप, यदि इसको इंडिविजुअल देखें इससे क्वाइट इंप्रेसिव रिटर्न, यदि इसको कंपेयर करें आप निफ्टी 500 टीआरआई से लगता है और बेहतर रिटर्न है। लेकिन जनाब, इनका जो डिफेंस फंड का, एचडीएफसी डिफेंस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टीआरआई है, यदि उसके परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो देखते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स टीआरआई ने एक महीने में 8% का रिटर्न दिया था, जबकि इस फंड ने 10.26% का रिटर्न दिया था। इट्स ए वेरी गुड रिटर्न। यदि बात करें 3 महीने के रिटर्न के बारे में, तो इंडेक्स फंड ने 50.7% का रिटर्न दिया था, जबकि फंड ने 37.92% का रिटर्न दिया था। बात करें 6 महीने में 77% दिया था इंडेक्स ने, जबकि फंड ने दिया था 57.95%, एक साल में 173.1% के अगेंस्ट इस फंड ने 133.9% का रिटर्न दिया। अब यदि इन तीनों परफॉर्मेंस को एक साथ देखें, इंडिविजुअल देखते हैं ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है, यदि निफ्टी टीआरआई के कंपैरिजन देखते हैं फिर भी अच्छा रिटर्न है, लेकिन यदि निफ्टी इंडिया डिफेंस जो इनका बेंचमार्क है उसके रिटर्न के हिसाब से देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक महीने जो लास्ट 1 मंथ का रिटर्न है वो बेहतर है। इसके अलावा 3 महीने 6 महीने और एक साल या एक साल एक महीने के हिसाब से ये रिटर्न बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है। लेकिन जनाब ये याद रखें, आप इंडिविजुअल रिटर्न देखें यदि कंपेयर करेंगे तो निफ्टी 500 टीआरआई के हिसाब से काफी बेहतर, लेकिन इंडेक्स के हिसाब से
ये काफी बेहतर रिटर्न नहीं दिख रहे हैं। अब यदि इनके पिछले एक साल एक महीने का वर्स्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस का हिसाब से देखें, हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे देखते हैं सबसे बेस्ट रिटर्न जो दिया है इन्होंने 10 नवंबर 2023 से 17 नवंबर 2023 के बीच जो वीक थी उसमें 6.54% का एक वीक में 6.54% रिटर्न दिया था। और यदि मंथली बातें करें दिनों 6 नवंबर 2023 से लेके 6 दिसंबर 2023 के बीच का जो मंथ था उसमें 17.26% का रिटर्न दिया था। लेकिन यदि इसी एक साल एक महीने में यदि वर्स्ट परफॉर्मेंस देखें, हम देखते हैं कि वर्स्ट परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पे 18 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 के जो वीक थे उसमें इन्होंने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया था वीकली बेसिस पे एंड इट वाज -6.41%। और यदि मंथली वर्स्ट की बातें करें तो ये पीरियड था 8 सितंबर 2023 से लेकर 9 अक्टूबर 2023 तक का जिसमें इन्होंने -4.23% का रिटर्न दिया था। अब यदि इसके परफॉर्मेंस के एक साथ देखें, हमें लगता है एक साल में 134% के आसपास इट्स वेरी गुड रिटर्न, कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखें कि वर्स्ट परफॉर्मेंस जो दिया है मंथली बेसिस पे -4.23 और वीकली बेसिस पे देखें -6.41%, जबकि यदि मंथली बेसिस पे देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है 17.26%। यदि इनको हम देखें इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है, आप इसमें मैक्सिमम आपको 10,000 पर मंथ, यदि आप नए इन्वेस्टर हैं तो मैक्सिमम 10,000 पर महीने के हिसाब से SIP आप कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे इसके पोर्टफोलियो के बेसिस पे कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। पोर्टफोलियो में यदि देखते हैं तो आज के दिन में इसमें 21 स्टॉक्स हैं, टॉप 10 स्टॉक्स का जो एलोकेशन है वो 85.56% है, फाइव स्टॉक्स जो है इसके 62.54% है, और यदि टॉप 2 स्टॉक्स का यदि देखें हम एलोकेशन 43.76%। ये तो इस फंड का पोर्टफोलियो है। यदि इसके इंडेक्स के पोर्टफोलियो की बातें करें, इंडेक्स के पोर्टफोलियो में कहते हैं कि इसमें मिनिमम 10 स्टॉक रहना जरूरी है, और दूसरा कंडीशन है इसमें कि एक स्टॉक का कैप जो है 20% से अधिक नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम कैप जो है 20% से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन अब इन दोनों इस फंड के पोर्टफोलियो और इसके पोर्टफोलियो को यदि एक नजर में कंपेयर करें तो जनाब हम देखते हैं कि टॉप 2 स्टॉक्स का जो कंसंट्रेशन है फंड में वो 43.76% है। इसका मतलब कि जो कंडीशन इंडेक्स के हैं कि मैक्सिमम 20%, ये ब्रीच कर रहे हैं जी, ओनली बिकॉज की 2 स्टॉक है और 43% निश्चित रूप से वो कोई या तो दोनों स्टॉक ब्रीच कर रहा है या कोई ना कोई एक स्टॉक 20% कैप को ब्रीच कर रहा है। और इनका जो टॉप 2 स्टॉक्स है इसमें हिंदुस्तान एरो का 22.04% है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 21.72%। का मतलब ये दो, ये जो कैप है 20% का ये ब्रीच कर रहे हैं। अब हमें देखना है क्या इसके बेसिस, इसके हिसाब से कोई परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो सकते हैं। जनाब आप ये देखें, एक महीने का परफॉर्मेंस इंडेक्स फंड का 8% जबकि फंड का 10.26% है। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन इन्होंने 20% से अधिक 2 स्टॉक्स में किया है उसका एक बेटर इंपैक्ट आ रहा है। इसके चलते पिछले एक महीने में परफॉर्मेंस जो है इनका 10 पॉइंट इंडेक्स से बेहतर परफॉर्मेंस है। हालांकि ये दुधारी तलवार है, अभी ये अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, हो सकता है कि परफॉर्मेंस खराब भी हो। सो कीपिंग इन व्यू ऑल द थिंग, परफॉर्मेंस के लिहाज से इंडिविजुअल भी काफी बेहतर है, निफ्टी 500 PRI भी काफी बेहतर है, हालांकि इंडेक्स फंड के कंपेरिजन में थोड़ा कम है। लेकिन थोड़ा कम जनाब अच्छा बुरा जब कंपेयर करते हैं किसी से तब लगता है कि अधिक अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअली 134% एक साल का परफॉर्मेंस इट इज ए वेरी गुड परफॉर्मेंस। और यदि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, इस माय परसेप्शन माय ओपिनियन, और जो न्यू इन्वेस्टर डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है बिकॉज उनका अपना परसेप्शन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो यहां भी आपको अंतिम निर्णय खुद स्वयं लेना पड़ेगा। थैंक यू।